माय डियर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये ऑफिशियल अपडेट है। सीबीएसई की तरफ से जो पहली अपडेट है वो ये है कि सीबीएसई में जो स्टूडेंट पहले क्लास 10th और क्लास 12th में फेल हो जाया करते थे, तो वैसे बच्चों का कंपार्टमेंट या फिर वो बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देते थे, तो जब वो पास कर जाते थे, पेपर क्लियर कर लेते थे, तो उनके मार्कशीट पे पास लिखा हुआ होता था। बट इस साल से ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से रेगुलर स्टूडेंट पास करते हैं, ठीक उसी तरीके से फेल होने के बाद भी अगर आप पेपर को क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो मार्कशीट बन के आएगी वो रेगुलर वाले स्टूडेंट की तरह ही होगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। दूसरी अपडेट, आप लोगों को पता है कि डिस्प्यूट कमिटी सीबीएसई बनाने वाली थी जो 6 अगस्त को जिसका अनाउंसमेंट होने वाला था। जो बच्चे क्लास 10th और क्लास 12th के हैं वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने घोषणा की थी कि हम लोग 6 अगस्त इवनिंग तक हम लोग डिस्प्यूट कमिटी की फुल इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। तो अभी तक 8 अगस्त हो गई, अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट बिलीव मी कि ये सीबीएसई के सोर्सेज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है कि सीबीएसई ने भी अब ये मान रखा है कि मार्किंग स्कीम में स्कूल वाले ने बहुत बड़ी गलती की है, मार्क्स देने में स्टूडेंट को गलती की है। ये बात अब सीबीएसई तक भी पहुंच गई है। तो सीबीएसई ने क्या किया है कि पहले जो कमेटी बनाई थी डिस्प्यूट कमेटी, उसमें स्कूल के भी एक मेंबर दो मेंबर हुआ करते थे, बट अब जो कमेटी बनाई जा रही है, जो डिस्प्यूट कमेटी मेंबर हैं वो रीजनल लेवल पे है। और टीचर्स लोगों की, हम लोगों की डिमांड थी कि जब डिस्प्यूट कमेटी बने तो उसमें कोई भी टीचर स्कूल का ना हो, वो रीजनल लेवल पे हो। तो रीजनल लेवल पे क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स को नहीं जानते, ना ही टीचर्स को जानते हैं, तो क्या होता है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट के नाम से कमेटी बन रही है, जिसकी घोषणा 1 से 2 दिनों में हो जाएगी, वो रीजनल लेवल पर काम करेगी, स्कूल के कोई मेंबर भी उसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूं एंड वी वांट जस्टिस में हम ये कह सकते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th में जो बच्चे अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, वैसे बच्चों का 100% मार्क्स इंक्रीज होगा। जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, मीन्स जितने मार्क्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने मार्क्स उनके नहीं आए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। जो आप डिजर्व कर रहे थे, जो आपका परफॉर्मेंस स्कूल के अंदर में रहा था, वो मार्क्स आपका आएगा। क्योंकि ये जो न्यूज अब छोटी नहीं है, ये सारे टीचर्स स्टूडेंट्स लोग जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स बॉडी है इंडिया का, वो भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो गया है। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो, अगर आप 11th में मूव कर गए हो, 11th में जो स्ट्रीम आप चाहते थे वो स्ट्रीम मिल गई है, तो उस पर आप वर्क करना शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे 12th के हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको डिजायरेबल मार्क्स नहीं मिला है तो कीप पेशेंस, घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। अगर सीबीएसई रिव्यू में डालेगी तो आपको फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो होप फॉर द बेस्ट। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सीबीएसई के रिगार्डिंग आएगी, सबसे पहले आई विल अपडेट यू। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।